बिजनेस इकोनॉमिक्स में अपना लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ रहे थे इकोनॉमीज ऑफ स्केल. याद आया किसी को? भूल गए एक दिन की छुट्टी में? यस मैम, वो इकोनॉमीज डिफरेंस बिटवीन किए थे. ऑफ स्केल या स्टार्ट किए थे, याद है ना? स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, क्या बताई थी? स्केल ऑफ प्रोडक्शन बताओ. साइज ऑफ प्रोडक्शन बताई थी, और क्या बताई थी इसमें? भूल गए सब? निकालो अपनी कॉपीज, पॉइंट्स देखो. प्लांट और नंबर ऑफ प्लांट इंस्टॉल्ड और जो टेक्निक अडॉप्टेड रहता है बाय द प्रोड्यूसर, उसको बोलते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन. हाँ, नंबर ऑफ प्लांट इंस्टॉल्ड, टेक्निक अडॉप्टेड, है ना? और क्या था? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस भी थे इसमें. तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है कि कंपनी, सॉरी, एक इंडस्ट्री, बताओ क्या होता है? इन शॉर्ट बताओ मेरे को, ओवरऑल स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? एक इंडस्ट्री कितना उसका लिमिटेशंस, या फिर कितनी उसकी कैपेसिटी है, या वो कितना कैपेबल है किस चीज के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए. बताया था मैंने ये, यस मैम. एक एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको. सपोज कंपनी अपने 50% में 5,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है, तो अपने 100% में कितना करेगी? 10,000 करेगी ना. 10,000. तो ये है उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन. साइज, प्रोडक्शन यूनिट की साइज क्या है? अब देखो, टू कैटेगरीज में आएगा. फर्स्ट कैटेगरी में अपन स्टडी करेंगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और सेकेंड कैटेगरी में हम स्टडी करेंगे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन. ठीक, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या है? देखो, इस टॉपिक के साथ देखो, मैंने स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी लिखा है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी लिखा है. ठीक है, तो हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, हम उसके रिगार्डिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ेंगे. सेम जब हम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब उसकी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ेंगे. ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है. ठीक है, मैं आपको एक कुछ शेयर कर रही हूँ, आप देखना उसको. कुछ दिख रहा है आप लोगों को? कुछ पीपीटी मूव करती हुई दिख रही है? यस मैम. इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखो क्या होता है, क्या लिखा है. देखो देखो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन और एक चीज बता रही है ना, समझना चीजों को बहुत सिंपल वे में समझो, जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. देखो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल में क्या होता है? जब मैम, फर्म, ज्यादा क्वांटिटी और ज्यादा बड़ा रहता है, मतलब फर्म. हाँ, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, ठीक है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो सारे के सारे इंक्रीज हो गए हैं. ठीक, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए? इंक्रीज हो गए हैं. ये फर्म क्या हो रही है? वो भी एक्सपांड हो रही है. ठीक, फर्म भी एक्सपांड हो रही है, तो ऐसी फर्म क्या हो जाती है? लार्ज हो जाती है. एक सेकेंड बेटा. हाँ, अपन कहाँ पे थे? लार्ज स्केल प्रोडक्शन में थे अपन. लार्ज स्केल प्रोडक्शन में क्या करती है फर्म?
अपना जितना भी फैक्टर्स है प्रोडक्शन को भी बढ़ाते जाती है, और साथ साथ उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसमें कि जो फर्म का क्या होता है, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है फर्म की, वो भी क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है, बढ़ते जाती है. ठीक है, तो ये किस में होता है, लार्ज स्केल में. सेम स्मॉल स्केल में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. क्या होगा स्मॉल स्केल में, मैम जो प्रोडक्शन है वो भी कम रहेगा और जो फर्म है वो भी छोटा रहेगा. वो भी छोटा रहेगा, प्लस उसमें क्या रहेगा, सोचो पर्सनल सुपरविजन रहता है कि जब फर्म छोटा है तो पर्सनल सुपरवाइज कर सकते हैं चीजों को. ठीक, फिर क्या हो जाता है, उसमें इंडिविजुअल ओनरशिप रहती है ना, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. तो ये जो अपन पढ़ रहे थे इकोनॉमी स्केल ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक जो मैंने करवाया था, है ना, और उसमें क्या था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना. तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन में लार्ज स्केल है और एक स्मॉल स्केल है. मैं नीचे लिख रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कहाँ टाइप कर रही हूँ मैं, है ना. ये जो लिख रही हूँ मैं पिंक पेन से, दिख रहे हैं आप लोगों को? यस मैम. ठीक है, तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप का होगा, एक लार्ज और एक स्मॉल. लेकिन हमको अभी क्या स्टडी करनी है, इनकी इकोनॉमीज. इकोनॉमीज क्या होती है वो देखो आप इसमें. देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द कॉस्ट एडवांटेजेस. कुछ बेनिफिट्स होता है, किस चीज का बेनिफिट, कॉस्ट के रिगार्डिंग, दैट अ बिजनेस ऑब्टेन्स ड्यू टू एक्सपेंशन. हम जितना अपना बिजनेस को एक्सपांड करते जाएंगे, हम जितना अपना बिजनेस, देखो पहले सपोज अपना बिजनेस अगर ऐसा ग्राफ में लें तो इतना है था, ठीक है, फिर इतना हो गया, फिर और बढ़ता गया. तो जैसे जैसे अपन अपना बिजनेस क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सपांड करते जाते हैं, तो जो कॉस्ट होती है गुड्स की वो क्या होते जाती है, कम होते जाती है. होता है कि नहीं होता है, जैसे ही अपन ज्यादा क्वांटिटी में किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम लगती है, क्योंकि अपन सब अब होलसेल रेट में खरीदने लग जाते हैं. सेम वही दिया है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हो जाती है, कॉस्ट एडवांटेजेस दैट अ बिजनेस ऑब्टेन्स ड्यू टू एक्सपेंशन. When economists are talking about economies of scale, they are usually talking about internal economics. हटाओ, ये क्या होता है, दिस आर द एडवांटेजेस गेन्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म बाय इंक्रीजिंग इट्स साइज. ये क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में एडवांटेजेस होते हैं जो फर्म गेन करती हैं अपने साइज को बढ़ा के, मतलब और प्लांट्स बढ़ाते जाती हैं ताकि कॉस्ट और क्या होते जाए, कम होते जाए. आ रहा है समझ में इतना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब नेक्स्ट देखो. यस मैम. सबको आ रहा है समझ में, मेरे को सिर्फ एक ही यस मैडम सुनाई दे रहा है. शुभम, नेक्स्ट देखो आप, ये क्या लिखा है इसमें पढ़ो. डिस इकोनॉमीज. अब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये पढ़ो अब, आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग टू लार्ज. मैंने लास्ट क्लास में एक बताया भी था कि अगर अपन बल्क में किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा हो जाता है कि कॉस्ट कम होने के बजाय, माइनस की बजाय कॉस्ट क्या होती जाती है, वो भी बढ़ते जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस इकोनॉमीज. ये भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था एक एग्जाम्पल के साथ, याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? तो फर्म जो इंक्रीज करते हैं अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन, ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है जहां पे उसकी कॉस्ट भी अब क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है. एक एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को कि अगर सपोज आप लोग 500 बॉक्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और फिर 5000 बॉक्सेस का, याद आ रहा है कुछ, एक एग्जाम्पल दी थी मैं, तो उसमें देखो 5000 बॉक्सेस का अगर प्रोडक्शन करेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर उसको रखने के कॉस्ट, फिर उतने ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है. याद आ रहा है कुछ, ऐसा किया था अपन ने लास्ट क्लास में. देखो इतना समझो बस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, जब फर्म एक्सपांड हो रही है
तो एक्सपैंड होने की वजह से जो कॉस्ट होती है गुड्स को प्रोड्यूस करने की, वो बहुत कम होते जाती है. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो मार्केट में आपका गुड्स ज्यादा बिकेगा, और आपका गुड्स या जब आप ये सब ज्यादा बिकेंगे तो आपको प्रॉफिट भी क्या होगा, अच्छा खासा होगा. जस्ट इसकी अपोजिट कंडीशन डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, आपकी फर्म इतनी ज्यादा हद तक एक्सपांड हो चुकी है कि जो उसको मेंटेन करने की कॉस्ट बढ़ते जा रही है. इट मींस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ते जा रहा है, तो प्रॉफिट क्या होते जाता है, ऑलवेज ये कम होते जाता है. तो उसको बोलते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, याद रखना. तो ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाना जहां पे वो क्या एनकाउंटर करती है, राइजिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ठीक, तो ये डिफरेंस होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, कि फर्म इतनी ज्यादा एक्सपांड हो गई है कि उसकी कॉस्ट अब कम होने की बजाय उसकी कॉस्ट अब बढ़ते जा रही है. देखो इकोनॉमीज या फिर डिस इकोनॉमीज में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल. इंटरनल इकोनॉमी किससे रिलेटेड होगी, फर्म से. फर्म जब बढ़ रही है तब उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमी. ठीक, और एक्सटर्नल यानी बाहर से, बाहर तो क्या बढ़ रहा है उसमें, इंडस्ट्री बढ़ी होती जा रही है, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है. देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में एक चीज कॉमन रहेगी कि इंडस्ट्री या जो फर्म है वो बढ़ते जा रही है, मतलब फर्म क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, बढ़ रही है. और कॉस्ट पे जो इफेक्ट हो रहा है उसका, जो कॉस्ट बढ़ रही है या कॉस्ट कम हो रही है, तो उससे पता चलता है कि वो इकोनॉमीज में आएगी कि डिस इकोनॉमीज में आएगी. ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी दो टाइप के होते हैं. इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज भी दो टाइप के होंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. जब हम इंटरनल इकोनॉमी की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, फर्म, हम फर्म की बात कर रहे हैं कि फर्म एक्सपांड हो रही है. और जब अपन एक्सटर्नल इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. तो याद रखना इंटरनल इकोनॉमी में फर्म ग्रो करती है और एक्सटर्नल इकोनॉमी में इंडस्ट्री ग्रो करती है, मतलब एक्सपांड होती है. किसी को डाउट है यहाँ तक पूछ लो पहले, नहीं तो आगे का कंफ्यूजन हो जाएगा पूरा. कहीं पे भी डाउट है जल्दी क्लियर करो. बोलो जल्दी बोलो. लास्ट क्लास का आप लोगों को याद नहीं है, उसका आप वीडियो देख के आप उसको रिवीजन करना. आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, अभी ये बताओ, अभी कुछ डाउट है आपको इंटरनल इकोनॉमी में या फिर एक्सटर्नल इकोनॉमी में या इकोनॉमीज में या डिस इकोनॉमीज में? बिल्कुल कहीं पे भी डाउट है तुरंत तुरंत पूछो जल्दी से. बोलो. मैम बट आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, आप टाइप करो मैसेज में, चैट में टाइप करके बताओ क्या पूछ रहे हो, आपका डाउट. देखो इंटरनल डिस इकोनॉमीज, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज. तो इंटरनल डिस इकोनॉमीज में क्या है, जो फर्म की देखो हायर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, मतलब लॉन्ग रन की बात हो रही है, तो जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या है, बहुत ज्यादा हो रही है. किसकी, फर्म की. और एक्सटर्नल में क्या होगा, ये भी एवरेज जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट ये भी क्या है, हायर है, लेकिन किसकी, एक पूरी इंडस्ट्री की. फ्रॉम एन इंडस्ट्री ग्रोइंग टू लार्ज, क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है. आ रहे समझ में? और एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के टाइम पे, टोटल प्रोडक्शन को अगर हम डिवाइड करते थे किससे, लेबर से, तो क्या निकलती थी, एवरेज कॉस्ट निकलती थी. और जैसे जैसे एक एक लेबर उसमें इंक्रीज होते जाता था तो टोटल प्रोडक्शन को पुराने वाले से माइनस करते थे तो मार्जिनल प्रोडक्शन निकलता था. आया समझ में?
कि भूल गए एवरेज कॉस्ट भी आप लोग और मार्जिनल प्रोडक्ट भी। नो करते जाना तो मेरे को भी समझ में आएगा कि समझ आ रहा है कि नहीं, और कहीं डाउट हो ना तो क्लियर बोलना। देखो जब जियो का मार्केट आया था तब जो डेटा पैक थे वो सस्ते थे कि महंगे थे? प्राइस कम था ना, ठीक। और शुभम बेटा तुम्हारा ना वॉल्यूम मतलब इंक्रीज करो माइक का, है ना, बहुत कम है तुम्हारा वॉइस, यहाँ तक आ नहीं रहा। और देखो जो जियो वाले के पास प्लान था 4G का, वो मार्केट में कहीं और नहीं था। था क्या मार्केट में किसी और के पास उस पॉइंट पे? नहीं था, ठीक है। तो ये फर्म का था सिर्फ, ठीक है। तो वो उसकी खुद की फर्म थी जो जियो वाले की, वो क्या थी? खुद की फर्म थी, ठीक। लेकिन अगर हम उसको एक्सटर्नल बोलूं मैं, तो मार्केट में उसके और कितने प्लेयर्स हैं जियो के अलावा? एयरटेल है, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा बिजनेस है, डेटा बिजनेस समझ रहे ना आप लोग, 4G डेटा की बात कर रही हूँ मैं, ठीक। तो yes, तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई? इंडस्ट्री हो गई, ठीक। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी जो मतलब इंडिया है सपोज, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में डेटा की जो इंडस्ट्री है वो ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। तो ये सब मिला के क्या बन जाती है? पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री बन जाती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सिंगल किसी को एक फर्म को लूं, जियो को लूं या सिर्फ एयरटेल वाले की लूं, तो ये सब क्या हो जाएगी? एक फर्म हो जाएगी। तो देखो, तो इंटरनल जब अपन इंटरनल इकोनॉमीज पढ़ेंगे, ठीक, या फिर उसकी डिस इकोनॉमीज, ठीक, तो एक बार हम फर्म की पढ़ेंगे और सेम इंटरनल इकोनॉमीज या फिर डिस इकोनॉमीज जब आप सॉरी एक्सटर्नल की जब मैं बात करूंगी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमिक्स, तो मैं किसकी बात करूंगी? सबका मिला के ओवरऑल मतलब इंडस्ट्री की बात करूंगी मैं। अब आया समझ में फर्म और उसमें इंडस्ट्री में? यस मैम। अब देखो इसमें, ठीक, तो ये डिफरेंस था एक फर्म और इंडस्ट्री का। फर्म में हमेशा इंटरनल स्टडी करेंगे और इंडस्ट्री में अपन एक्सटर्नल स्टडी करेंगे, ठीक। और जब मैं इकोनॉमीज की बात करूं कहीं पे भी, फिर चाहे वो फर्म में बात करूं या इंडस्ट्री में करूं, इकोनॉमीज की जब मैं बात करूंगी तो ये समझना कि इंडस्ट्री एक्सपांड, सॉरी इंडस्ट्री नहीं, इंटरनल है तो फर्म यूज करूंगी मैं वर्ड ये। तो इसमें क्या होगी? जो फर्म है वो एक्सपांड कर रही है और कॉस्ट भी क्या हो रही है? एडवांटेज मिल रहा है। एडवांटेज मिलता है, इट मींस कॉस्ट का कम होना, लेस कॉस्ट, है ना। ये किसकी बात हो रही है? इकोनॉमीज की। एक्सटर्नल इकोनॉमीज में क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री एक्सपांड कर रही है। इंडस्ट्री एक्सपांड कर रही है इसका मतलब ये होगा, दो तीन चीजें कोरिलेट करना। इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है, इट मींस पहले मार्केट में समझो दो प्लेयर थे, जियो था या एयरटेल था। अब क्या आ गया? आइडिया भी आ गया, वोडाफोन भी आ गया, टाटा भी आ गया, ठीक है। और कुछ समझो आईकॉम आ रहा है, कुछ नया फर्म है, कोई दूसरा फर्म है। तो ये सब जब बहुत सारे प्लेयर्स आते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है, ठीक। तो ये इंडस्ट्री क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है अपनी। और फर्म एक्सपांड हो रही है मतलब एक जियो का फर्म है सपोज, वो अपने यूनिट्स को, पहले वो 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, अब उसके 12,000 हो गए, अब उसके 15,000 हो गए, तो ऐसे ही एक्सपांड होती है, ठीक है। यहाँ पे फर्म एक्सपांड हो रही है और यहाँ पे क्या एक्सपांड हो रही है? इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है। और उसकी वजह से जो कॉस्ट एडवांटेज है, कॉस्ट एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिशन मार्केट में इतना आ गया है कि सब अपनी प्राइस क्या हो रही है, मतलब सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है कि सबकी कॉस्ट अब क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। कॉस्ट क्या होते जा रही है? लेस होते जा रही है। इसमें भी ये समझ में आया इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब एक फर्म में और एक इंडस्ट्री में? बताओ यहां तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम।
अब देखो yes, ma'am. ये इकोनॉमीज हो गया, ठीक है, एक फर्म का और एक इंडस्ट्री का. अब डिस इकोनॉमीज में अगर हम आएंगे, फर्म एक्सपांड हो रही है, ठीक, लेकिन अब कॉस्ट एडवांटेज नहीं मिल रहा है. जो कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा था या जो कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि फर्म इतनी एक्सपांड हो गई कि तो उसके अब दूसरे खर्चे बढ़ने लगे. तो दूसरे खर्चे, सपोज सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपांड हो रही है, तो उनको सैलरी भी देनी है ना, लेबर है उनको वेजेस देना है. ज्यादा अगर हमने कैपिटल लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो उसका हाई होता है मार्केट में पे करने के लिए. तो एक्सपेंस क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं. तो जो बेनिफिट है, एडवांटेज, वो अब नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं अपन डिस इकोनॉमीज. ठीक, सेम वही इंडस्ट्री के साथ होगा. जो इंडस्ट्री एक्सपांड होते जा रही है, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आते जा रही है मार्केट में. अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है, इट मींस कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है. तो सबको कैपिटल चाहिए मार्केट में, तो बैंक सबको कैपिटल नहीं दे सकती है. बैंक अब उसी को ही कैपिटल देगी कि जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे पाएगा. ठीक, तो सबको नहीं मिलेगा. तो ये लोग क्या है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट से पैसा लेंगे. ठीक, अब सबको मार्केट में अपना प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से दिखाना है. अब रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब शुरू में फर्म स्टार्ट हुई थी तब रिसोर्स नए नए तरीके ढूंढ रहे थे एक्सपांड करने के, लेकिन अब फर्म इतनी ज्यादा एक्सपांड हो चुकी है कि सारे रिसोर्स खत्म हो चुके हैं. अब जितना है उसी से ही काम चलाना है, तो अब उनकी कॉस्ट क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है. तो जो कॉस्ट बेनिफिट मिलना रहता है वो अब नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, सॉरी मतलब डिस इकोनॉमीज. आया समझ में, इंटरनल एक्सटर्नल वगैरह जो भी. बेटा आप लोगों का वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मेरे को.